मुझे तुम जैसी जज्बाती लड़कियां जो बात बात पर खुदकुशी की धमकी देती हैं पसंद नहीं है। क्या हम लोग 2 मिनट बात कर सकते हैं? बोलो। क्या तुमने मुझे वो अंगूठी प्रेशर में आके पहनाई है? अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। राजीव, मैं बहुत एम्बैरस हो रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी खुदकुशी वाली धमकी और मामा की बातों की वजह से तुमने मुझे वो रिंग पहनाई है। ऐसी कोई बात नहीं नताशा, प्लीज। राजी, आई नो कि मैं तुम्हारी आइडियल नहीं हूँ और तुम्हें मेरी जैसी लड़कियां नहीं पसंद। तुम ठीक कह रही हो। I'm really sorry नताशा, लेकिन वाकई मुझे तुम जैसी जज्बाती लड़कियां जो बात बात पर खुदकुशी की धमकी देती हैं पसंद नहीं है। खैर, जो तुम चाहती थी वो तो हो गया ना, अब कोई फायदा नहीं। अगर तुम वाकई मेरी खातिर अपने आप को बदलना चाहती हो तो प्लीज समझदार हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, कुछ अच्छी बातें करो, नए दोस्त बनाओ, बुक्स पढ़ो, डिस्कशंस करो। ये सब कुछ करोगी तो तुम मुझे और अच्छी लगोगी। खैर, ये बताओ कि तबीयत सब कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। गुड। और हाँ, फरवा की शादी नजदीक है, तुम उसकी हेल्प करो। लड़कियों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, शॉपिंग करना, मेकअप का सामान। एक बहन बनकर तुम उसकी हेल्प करो। आई विल। गुड। मुझे जिम्मेदार लड़कियां पसंद है, जिम्मेदार बनो। खैर, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तुम्हें कुछ चाहिए? एक्चुअली फरवा की शादी के लिए मुझे ड्रेस चाहिए था, सो अगर तुम अपनी पसंद से मेरे लिए ड्रेस ले आओ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।